हेलो एंड वेलकम टू फूड स्लाइड। आज हम बनाने वाले हैं पाकिस्तान का एक बहुत ही बेहतरीन चिकन, जिसको बोलते हैं चिकन कढ़ाई। और ये बहुत यूनिक रेसिपी है। इसके लिए हमें लेनी है कढ़ाई, उसमें डालना है तेल और उसके बाद चिकन की भुनाई शुरू करनी है। इस डिश की जो खूबसूरती है वो भुनाई पर ही डिपेंड करती है। जितना आप भुनेंगे इस चिकन को, उतना ही आपका चिकन टेस्टी बनेगा। एक बार आपका चिकन भुन जाए तो उसमें शामिल कीजिए जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट और वापस से इसकी भुनाई शुरू कर दीजिए। उसके बाद इसमें डालिए मसाले, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और ये सब डालने के बाद इसको फिर से आपको बढ़िया से मिक्स करना है और भूनते रहना है। ये इस मसाले इसमें बहुत अच्छे से मिल जाएंगे ऐसे करने के बाद। एक बार आपके अच्छे से जो मसाले मिल जाएंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, और नमक डालने के बाद हमने इसकी फिर से भुनाई शुरू कर देनी है। उसके बाद हम इसमें डालने हैं टमाटर। टमाटर को मैंने 1/2 में काट लिया है और इसको ऐसे कढ़ाई में डाल दिया है। और इसमें ऐड करिए मैंने जिंजर के जूलियंस और हरी मिर्च। अब मैं इसको ढक के थोड़ी देर पकाऊंगा ताकि जो टमाटर है वो गल जाए। एक बार टमाटर जब होता है, इसका जो गल जाता है, उसके बाद हमें इसको फिर से चलाना है और इसका जो पानी है इसको हमें ड्राई कर देना है। और ये टमाटर जो है इसमें अपने आप गल जाएगा। इसका छिलका आप देखेंगे थोड़ी देर में अपने आप गल के हट जाएगा। हमें सारे छिलके इसके अलग कर लेने हैं। देखिए, एक चिमटे की मदद से मैंने इसके छिलके को अलग कर दिया है। अब मैं इसको चलाऊँगा और टमाटरों को एक लैडल की मदद से उसको मैं तोड़ दूंगा ताकि टमाटर जो है पूरा घुल जाए ग्रेवी में। मैंने एक एक करके सारे छिलके अलग कर लिए हैं। देखिए, इस तरह से छिलके अलग हो जाते हैं। मतलब आराम से सारे छिलके अलग हो गए हैं। अब मैं टमाटर को ग्रेवी में अच्छे से गला दूंगा। टमाटर एक बार ग्रेवी में गल जाए और उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगा कर्ड। कर्ड को मैंने पहले अच्छे से बीट कर लिया था। बीट करने के बाद हम कर्ड को इसमें डाल देंगे और कर्ड ऐड करने के बाद भी इसको मिलाएंगे। कर्ड फटेगी नहीं। अगर फटेगी भी तो कोई नहीं, इसमें हम बाद में क्रीम ऐड करते हैं तो वो उससे वापस बाइंड हो जाएगी। ये आ गई इसमें क्रीम। कई रेसिपी में आप देखेंगे क्रीम ऐड नहीं होती है, पर मैं इसको और रिच बना रहा हूँ क्रीम डाल के। अब मैं इसको अच्छे से चलाऊँगा, थोड़ी देर ढक दूँगा, और ये ढकने के बाद जो है हमारा चिकन जो है बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। इसमें आप बारीक कटा हुआ धनिया डाल सकते हैं। आज मेरे पास धनिया नहीं था इसलिए मैंने इसमें धनिया नहीं डाला है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है हमारा चिकन है। इसमें क्रीम हमने डाल दिया है। अब इसको थोड़ी देर ढक के पकाऊँगा और ये देखिए हमारा चिकन बनकर तैयार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।